नंबर देखते हैं 28। पहले तो सेक एक्स को उधर ले जाके भाग करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा वाई बटा में सेक एक्स और प्लस साइन एक्स बटा में सेक एक्स। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कॉस एक्स वाई कॉस एक्स, ये कॉस सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा ना जी, तो वाई कॉस एक्स और बराबर में ये भी ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां पर पी बराबर में माइनस का कॉस एक्स और क्यू बराबर में आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो यहां से सबसे पहले तो हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे ना, ई टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा, है ना जी, कॉस माइनस साइन हो जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं इसे। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस लग गया, कॉस का सिर्फ साइन होता है और माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में क्यू इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस सी, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर देंगे, वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर ई टू द पावर माइनस साइन एक्स है बराबर में, यहाँ क्यू के जगह पर क्या होगा तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस में सी। अब देखिए यहां तो भैया ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स बराबर में, यहां पे अगर मैं साइन को टी मान, यहाँ पे देख लो पुट करता हूं साइन एक्स बराबर में टी, साइन एक्स की जगह टी पुट करता हूं तो इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी, यानी कि यहां से आ जाएगा ये टी हो जाएगा, यहाँ ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा और cos dx जो है आपका dt हो जाएगा और प्लस में c। अब यहाँ u इंटू v पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका u आपका ये हो जाएगा और v एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, एक्सपोनेंट तो लास्ट में रहता है, y इंटू e टू द पावर माइनस साइन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, पहले t फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t dt फिर माइनस देके इंटीग्रेशन देके t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी डी टी और फिर ब्रैकेट बंद करके डी टी प्लस में सी, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए y इंटू e टू द पावर माइनस का साइन एक्स बराबर में इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी ही हो जाएगा और माइनस टी का माइनस वन लगाएंगे, यानी कि माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू टी, ये वाला टी रह जाएगा और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना जी तो e टू द पावर माइनस टी बाई माइनस वन आएगा, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ और इसका डेरिवेटिव आपका वन हो जाएगा, बच जाएगा e टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। चलिए अब इसके बाद देखिए y इंटू e टू द पावर माइनस का साइन एक्स बराबर में माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू में टी प्लस, इसका देखो इंटीग्रेशन यही हो जाएगा और माइनस टी का माइनस वन यहाँ पे ले लूंगा डिवाइड में, या माइनस यही लगा दूंगा और प्लस में सी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ना मैं अब टी का वैल्यू रख देता हूँ, टी का वैल्यू आपका क्या है साइन एक्स है, चलिए तो साइन एक्स यहाँ रख देते हैं, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स बराबर में, यहां से देखो यहां से कॉमन भी करते हैं माइनस का ई टू द पावर माइनस टी कॉमन कर रहे हैं, अगले स्टेप में रख दिया जाएगा t प्लस वन बचेगा, अब यहाँ t की जगह साइन एक्स जो है ना वो रख देते हैं, y इंटू ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स बराबर में माइनस ई टू द पावर माइनस का साइन एक्स फिर साइन एक्स प्लस वन प्लस सी, इसको भाग में लेके चलाऊंगा, ठीक है, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वन और प्लस में c e टू द पावर साइन एक्स, समझ गया ना,
ये इसमें भाग किया तो यहाँ कट गया और इसमें भाग किया तो ये ऊपर चला तो ये पावर प्लस में आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसे थोड़ा सजा कर लिख दो, y बराबर में c e टू द पावर साइन x और माइनस का 1 प्लस साइन x, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। समझ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। चलिए अगला।